अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूँ रजा सुहेल। नाजरीन, मुल्तान में इस वक्त सियासी पारा हाई है और पीटीएम का मुल्तान का जलसा जो है उसमें अपोजिशन और हुकूमत इस टाइम आमने सामने है। हुकूमत जलसे की इजाज़त देने से इनकारी है और जो अपोजिशन है वो हर सूरत जलसा करने पर बाज़िद है। हुकूमत ने मुल्तान के कासिम बाग स्टेडियम में उसको कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया, लेकिन वहीं पर अपोजिशन के रहनुमाओं ने उनके कारकुनान ने जो है वो मैदान में दाखिल होना शुरू कर दिया है। हमारे साथ सीनियर तजियाकार राय अली साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। सर, बताइएगा कि मुल्तान इस वक्त सियासत का गढ़ बना हुआ है, क्या चल रहा है मुल्तान में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रिजा। देखें, मुल्तान सियासत का गढ़ नहीं बन गया, बल्कि अब कहा जा सकता है कि ये मैदानी जंग बन चुका है। अवाम और हकूमत आपस में आमने सामने और पिस रही है अवाम। मुझे नहीं समझ आ रही कि पीडीएम वाले क्यों ये जलसे पे जोर दे रहे हैं कि जी हमने जलसा करना है। देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी ये कोरोना हो चुका है, उनका भी रिपोर्ट जो है वो मुस्बत आई है, यहाँ तक कि वो अपनी बहन की मंगनी में शामिल नहीं हुए, तो पीडीएम जो है जलसे पे जोर दे रही है। देखिए, एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, शरीफ बरादरान की वालदा की डेथ हुई, आज उनकी तदफीन हुई जाती उमरा में, तो पीडीएम वहाँ पर जोर देती। सारे लोग जो अब मुल्तान में लड़ रहे हैं, मुल्तान में पुलिस के साथ हाथापाई कर रहे हैं, कंटेनर तोड़ रहे हैं, जो आसपास की दुकानें हैं उनको तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए था यहाँ पर आते। यहाँ पर देखें, जनाजे में तो शमूलियत बहुत ज़रूरी है ना, ये इनका इकट्ठ जोड़ है। तो हमारे अभी चंद दिन पहले इस दुनिया फानी से एकाश के रसूल गए हैं, तो कहाँ कहाँ से दुनिया जोर लगाकर उसके जनाजे में आई है खादिम सर रिजवी की। और ये शरीफ बरादरान की मिलन नून लीग भी वहाँ पे रैलियाँ निकाल रही है मुल्तान में जनाजे में आने की बजाय, और मुल्तान में ये पीपल्स पार्टी भी रैलियाँ निकाल रही है। देखिए, आप जलसा करके क्या करना क्या चाहते हैं? सिर्फ सियासत चमकाई जा रही है और इसमें कुछ नहीं है। अवाम को ये लड़ा लड़ा के मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करेंगे अगर जलसा हो भी जाता है? देखें, कोरोना की वजह से हुकूमत ने अगर जलसे में मना किया है, हम हुकूमत के साथ नहीं है, हम हुकूमत की बुराइयां भी जाहिर करते हैं, मगर अगर कोरोना बढ़ रहा है, देखिए अब ये जो रेशो आ चुके हैं ये वो आ चुके हैं जो जून मार्च के बाद जून और जुलाई में थी। एक दिन में 3,045 केस रिपोर्ट हुए, जिसमें 45 की डेथ हो चुकी है। उस वक्त भी यही था जब ये कहते थे कि जी पूरा मुल्क लॉकडाउन होना चाहिए, बल्कि कर्फ्यू लगना चाहिए। अब भी उसी जगह पे मुल्क खड़ा है, मगर ये कह रहे हैं कि जी हमने तो जलसे करने हैं, हमने तो क्राउड इकट्ठा करना ही करना है, किसी एसओपी को नहीं मानना, किसी कानून को नहीं मानना, ये कानून से बालादार है। तो हकूमत को चाहिए कि फुल एक्शन ले, हर हाल में रोके, मगर खाना जंगी से बचना चाहिए। ये पीडीएम को सोचना चाहिए कि खाना जंगी नहीं होनी चाहिए, खाना जंगी की तरफ जा। ये वही पीडीएम है सर जो पहले कह रही थी, अपोजिशन पहले कह रही थी कि मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, और अब यही जो है वो लोगों को बाहर निकालने पर तोड़े हुए हैं। खुद भी ये लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं, तो इनको एहतियात नहीं करनी चाहिए? क्यों कुर्बानी का बकरा सिर्फ आवाम को बना रहे हैं? देखें जी, मैं समझता हूँ कि अगर आवाम सोचे, आवाम के सामने मीडिया सब कुछ दिखा रहा है कि जी बेनज़ीर की बेटी की मंगनी थी तो सगा भाई जो वो कोरोना की वजह से शामिल नहीं हो, तो आवाम को सोचना चाहिए। पीडीएम अगर नहीं सोच रही, पीडीएम तो अपना ये कोरोना पे एक सियासत चमका रही है, अपने आप को वो बढ़ावा दिखा रही है कि हम बुर्ज उल्टा देंगे। भाई, पहले आपने 4-5 जलसे किए हैं तो बुर्ज तो उल्टा नहीं। अब एक मुल्तान में देख, पहले रेशो कम थी, आप जलसे करते रहे, अपने पेशावर में किया, क्वेटा में किया, कराची में किया, गुजरावाला में किया, हर सूबे में आप कर चुके हैं। अब मुल्तान कोई ऐसी ही जगह है जहाँ पे आप करेंगे तो हुकूमत चली जाएगी, खुदारा को उसके नाखन लें। ऐसा ना करें कि गरीब आवाम, जो वहाँ की गरीब आवाम है, आवाम असल में बेवकूफ़ बनी हुई है। आवाम को सोचना चाहिए कि नहीं यार, ये खुद तो शामिल नहीं हो रहे। अब उन्होंने आज बिलावल भुट्टो जरदारी खुद नहीं आ रहे, अब मुल्तान से जनाब सईद गनी साहब चले, पहले सईद गनी साहब 14 दिन अंदर रहे हैं कि जी मुझे उनका भी पॉजिटिव आया था। अब देखे ना, उनका पॉजिटिव आया है, अगर उनको दोबारा अल्लाह ताला ने सेहत याब किया है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सब जितने भी कोरोना के पेशेंट हैं, सब जिनके मुसबत आ रही हैं रिपोर्टें,
उनको अल्लाह ताला सेहत दे और अवाम को अल्लाह ताला बचाए, पाकिस्तान को बचाए, पूरी दुनिया को इस कोरोना ऐसी बीमारी से बचाए। देखिए चंद दिन पहले ये सईद गनी साहब जो आप मुल्तान पहुंच चुके हैं पीपल्स पार्टी के सिंध के सूबाई वजीर हैं, इनको चंद दिन पहले ये कोरोना हुआ था, तो अब सेहत याब हो गए दोबारा वो जलसे में आ गए जी। अब नहीं, हम तो करेंगे, अब कानून की वायलेशन की जा रही है, तोड़ फोड़ की जा रही है, तो मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि पीडीएम चाहती क्या है। हालांकि इससे हासिल होने वाला भी कुछ नहीं है, सिर्फ जो नुकसान हो रहा है अवाम का हो रहा है। अगर किसी की तोड़ फोड़ कोई नुकसान होता है तो वो अवाम पे पड़ना है ना, कंटेनरों को ये तोड़ते हैं, बाकी जो साथ दुकानें हैं उसको तोड़ के स्टेडियम में अब ये दाखिल हुए हैं। पुलिस किसकी है? पुलिस भी तो हम में से ही है ना, उनको ऊपर से आर्डर मिला है, अगर देखे आर्डर मिला है तो उसने इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, तो उसमें उनका क्या कसूर है? उनको मार रहे हैं, तो पीडीएम वालों को सोचना चाहिए, बल्कि पीडीएम वाले नहीं सोचते तो आवाम को सोचना चाहिए कि वो जलसों में ना जाए, अपने आप को बचाए। कल को अगर किसी को ये करोना हो जाता है तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये करोना की रिपोर्ट जो है वो 8 से 10 हज़ार रुपये में होती है, गरीब आदमी जो दिहाड़ीदार वो अफोर्ड ही नहीं कर पाता, और इसका एक दिन का इलाज 90 हज़ार रुपये में वायरल हुई है वीडियो, तो गरीब आदमी कहाँ से करवाएगा? क्या ये पीडीएम वाले करवाएंगे? कभी नहीं, आपको पूछेंगे नहीं, जल से ये फौरन अपने अपने घरों को बड़ी गाड़ियों में बैठ के चले जाएंगे, आप वहीं के वहीं। अब यहाँ पे जो जिस जो बंदा जख्मी हुआ है, क्या उन्होंने उठा के पीडीएम वाले सर पे उठा के फिर रहे? वो वहीं पर पड़ा है, वहाँ भी उठा रही है, किसी लीडर ने जाके कहा कि यार मैं इसकी जगह पर, कभी नहीं होता। तो आवाम को सोचना चाहिए कि ऐसी जगह पर ना जाए, ऐसा क्राउड इकट्ठा ना करें कि जिससे ये बीमारी फैले। कि अब हम हकूमत की सपोर्ट नहीं कर रहे, मगर हम आवाम के लिए चाहते हैं कि आवाम खुद सोचे कि ये बीमारी बहुत खतरनाक है। सर ये बताइएगा कि पुलिस और अपोजिशन आमने सामने है, और अपोजिशन ने कह दिया है कि अगर कोई गिरफ्तारियाँ अमल में आती हैं तो हमारे पास उसके लिए प्लान ए बी और सी मौजूद है, क्या प्लानिंग है इनकी? प्लान ए बी सी ये कुछ भी नहीं होता, मौलाना फजलुर्रहमान साहब ने भी प्लान ए बी सी डी सब बनाए थे, मगर क्या हुआ, चंद दिन बैठे उसके बाद चले गए, ना प्लान ए चला, ना प्लान बी चला, ना प्लान सी चला, ना प्लान डी चला, कोई प्लान नहीं चलता, सिर्फ ये सियासत चमकाई जा रही है अपने आप। देखिए पीडीएम वाले बहुत जगह पे ये नाकाम हो चुके थे, मेरी बातें इनको बुरी तो लगेंगी मगर ये नाकाम हो चुके थे। पेशावर में क्या किया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। क्वेटा में क्या हुआ, कराची में क्या हुआ, कहीं पे भी कुछ नहीं कर पाई। अब उन्होंने उनको एक मौका मिला है कि जी चलो ये कोरोना की बात चल रही है, हुकूमत ने करने तो देना नहीं, हालांकि जलसा तो 30 को है, तो ये पहले रैलियाँ किस चीज़ की हैं, पहले रैलियाँ क्यों निकाली जा रही हैं? देखे ना जलसा 30 को है तो पहले आज 28 है, तो पहले रैलियाँ किस बात की हैं? पहले वाले जलसों में तो नहीं निकालेगी, ये सियासत चमकाई जा रही है और कुछ भी नहीं। सर ये बताइएगा कि कहा जा रहा है मुल्तान वाले जलसे से आसपा भुट्टो जिम्मेदारी खिताब करेंगी, तो एकदम से आसपा को फ्रंट लाइन पर लाने का क्या मकसद है पीपल्स पार्टी का? देखिए जी ना तो जरदारी साहब इस जलसे में आ रहे हैं, ना बिलावल भुट्टो साहब इस जलसे में आ रहे हैं, तो किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा ना, इसलिए इन्होंने कहा कि चलो जी आसपा कोई ना कोई नुमाइंदगी तो करे, आसपा आएगी, मे बी कि वो तकरीर ना करे, करेंगे वो जैसे ये वीडियो खिताब लिंक कर लेते हैं वैसे शायद वीडियो लिंक खिताब करें, सिर्फ वो नुमाइंदगी करने आ रही है, क्योंकि बिलावल साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कोरोना हो चुका है, जरदारी साहब पहले हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इसलिए उनका कोई ना कोई बंदा तो आना जरूरी था ना लीडर में से, तो इसलिए वो आसपा भुट्टो जरदारी साहब जो है वो आ रही है। नाज़रीन आखिर में ये कि एक तो हम जो हुकूमत को जो अपोजिशन को बातें कर रहे हैं वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमने ये देखना है कि हम अपने मुल्क के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं। आज एक वाक्या लाहौर में पेश आया, जेल रोड पर एक शहरी को रोकना महंगा पड़ गया, वार्डन ने काले शीशे वाली गाड़ी को रोका और जो उस पर कार सवार था उसने गाड़ी रोकने की बजाय जो है वो वार्डन पे चढ़ा दी। एक तो उसने पहले कानून के खिलाफ वर्जी की क्योंकि काले शीशों पर पाबंदी है, फिर उसने जब उसको रोका गया तो उसने आगे से ये हरकत की कि वार्डन पर गाड़ी चढ़ा दी। सर बताइएगा कि हमारे मुल्क का निज़ाम किस तरफ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं? जी रजा ये बहुत अफसोसनाक वाक़ है कि एक कानून के रखवाले के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना,
ये बड़ी गड़े वाले समझते हैं कि कानून हमारी जेब में है, कानून हमारे लिए कुछ भी नहीं है, और कानून के रखवाले जो हैं वो भी कानून को इसी तरह इस्तेमाल करते हैं कि गरीब आदमी तो पे तो हर कानून लागू हो जाता है और बड़ी गाड़ी वाले ये जो बड़े बड़े हैं उन पे कानून लागू नहीं होता। अब ये देखिए कि गाड़ी के ऊपर वीडियो बनी, इन्होंने सीसीटीवी जो कैमरे लगाए उसके जरिए वीडियो ले ली, गाड़ी का नंबर नहीं लिया, नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ CTO अमाल साहब जो हैं वो FIR दर्ज करवा रहे हैं। पहले वो वीडियो के साथ इनको चाहिए था कि नंबर पे डेटा निकलवाते, ये कोई ड्राइवर का काम नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये ड्राइवर है गाड़ी चलाई, ड्राइवर इतनी जरूरत ही नहीं करते। ये कोई बड़े रईस का या किसी बड़े अफसर का बेटा होगा जो बिगड़ी औलाद होती है, इसलिए ये मुकदमा भी नामालूम के खिलाफ दर्ज किया गया। अगर ये ड्राइवर होता तो ड्राइवर पे नामजद पर्चा होता, वो गाड़ी लेके कहाँ गया, वो फेंक के चला गया, गाड़ी का नंबर जब आ जाता तो डाटा सारा बाहर आ जाता, गाड़ी को ट्रेस कर लेते, गाड़ी को ट्रेस करके देखते कि गाड़ी किस कौन चला रहा था। तो ये नामालूम मुकदमा दर्ज कराने की वजह यही है कि वो किसी अफसर का बेटा होगा या किसी MNA MP किसी वजीर का बेटा होगा, क्योंकि गाड़ी बड़ी है, उसने कहा तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मार के चला गया वो बेचारा। अगर उस अल्लाह ताला उसे सेहत दे, उसका कोई नुकसान हो जाता, टांग टूट जाती या उसकी कोई खुदा ना खासा डेथ हो जाती, तो नुकसान किसका होना था, जिन गरीबों के लिए वो रोजी कमा रहा था। इन्होंने तो यही मुकदमा दर्ज करना था, दर्ज करके अब क्या होगा जी, मुकदमा दर्ज हो गया है नामालूम के खिलाफ, मुकदमा दर्ज हो गया है, चलो जी कोई वो ड्राइवर निकालेंगे, ड्राइवर का लाइसेंस पेश करेंगे, चलो जी वो उसकी जमानत हो जाएगी दूसरे दिन। ये ऐसे ही है, असल में कमज़ोरी हमारे कानून के इम्प्लीमेंटेशन में है। अगर कानून पे ये का जोर दे, कानून जो बंदा गाड़ी चला रहा था उसी के खिलाफ, वो चाहे किसी IG का बेटा क्यों ना हो, वो किसी वजीर का बेटा क्यों ना हो, वजीर अल्लाह का बेटा क्यों ना हो, उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और कानून के मुताबिक उसे सजा हो, तो देखता हूँ दोबारा कोई गाड़ी चढ़ाएगा इन गरीबों पर। तो ये जो अफसर बैठे हैं ना CTO साहब को चाहिए वो नामजद FIR दें, वो किसी का बेटा भी क्यों ना हो, बेशक इनका बेटा क्यों ना हो, नामजद FIR दें ताकि आइंदा ऐसा वकूआ ना हो। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। नाजिन सीनियर तजिया का राय अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजिन आखिर में यही कि हम हुकूमत पर अपोजिशन पर तनकीद करते रहते हैं, ठीक है सही करते हैं, लेकिन प्लीज़ अपना किरदार भी अदा करें इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर करने में। अब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।